नमस्कार दोस्तों, अगर आप खेलों में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में वो जानकारी देंगे जो शायद आप नहीं जानते। अभी 2022 के राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हुए हैं, इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा, कुल 61 मेडल जीते जिनमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत की परफॉर्मेंस राष्ट्रमंडल खेलों में पहले कैसी रही है, कुल कितने मेडल जीते हैं, राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए, किसने शुरू किए, कौन कौन से देश भाग लेते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई और उस वक्त इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। जी हाँ, ये गेम शुरू हुए थे ब्रिटिश एम्पायर के अधीन जो देश थे उस वक्त, उन सब के बीच गेम्स आयोजित करवाने के लिए इन खेलों की शुरुआत हुई थी। भारत ने पहले खेल में भाग नहीं लिया था। भारत ने 1934 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए उसमें भाग लिया था, उस वक्त इनका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। 1930 के बाद हर चार साल में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। दो बार आयोजन नहीं हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, 1942 और 1946 में। भारत ने ब्रिटिशर्स की तरफ से पहली बार 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था और उस वक्त हमने एक कांस्य पदक कुश्ती में जीता था। 1954 तक राष्ट्रमंडल खेलों का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रहा। 1954 से 1966 तक ब्रिटानी साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल कहा गया और 1970 से 1974 तक राष्ट्रमंडल खेलों का नाम ब्रिटानी राष्ट्रमंडल खेल रहा। जो अभी राष्ट्रमंडल खेल है ये नाम सन 1978 में पड़ा। 1978 के बाद इन्हें राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है। 1930 से लेकर 1994 तक सिर्फ एकल मुकाबले हुए, यानी कि टीम इवेंट्स इन खेलों में शामिल नहीं थे। 1998 में मलेशिया के कुआलालंपुर में जो गेम आयोजित हुए उनमें पहली बार टीम इवेंट को शामिल किया गया। भारत ने 1930, 1950, 1962 और 1986 के राष्ट्रमंडल खेलों को छोड़कर हर राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया है। राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड जीतने वाले थे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। इन्होंने 440 यार्ड इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीता था 1958 के खेलों में। 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में एक और गोल्ड मेडल आया था जो लीला पहलवान ने 100 किलोग्राम की कैटेगरी की कुश्ती में जीता था। 1958 के राष्ट्रमंडल खेल एक और बात के लिए ऐतिहासिक रहे और ये ऐतिहासिक पल था महिलाओं की भागीदारी का। भारत अब तक के राष्ट्रमंडल खेलों में 564 मेडल जीत चुका है। सबसे अच्छा प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन भारत का 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में रहा, जब भारत ने कुल 101 मेडल जीतकर अंक तालिका में दूसरा स्थान पाया था। पहले पर ऑस्ट्रेलिया था और दूसरे पर भारत और तीसरे पर ब्रिटेन था। इस राष्ट्रमंडल खेल में भारत के खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड मेडल जीते थे। अगर खिलाड़ियों की सफलता की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम में ओवरऑल जो सबसे सफल खिलाड़ी हैं वो शूटर जसपाल राणा हैं, जिन्होंने 15 मेडल जीते हैं जिसमें 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस बार 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में जो कुल 22 गोल्ड मेडल जीते गए हैं उनमें से 9 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इस तरह अगर देशों की मेडल टैली से मिलान किया जाए तो हरियाणा अकेले 8वें नंबर पर आ जाएगा। हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ ही दूसरे प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन थोड़ी और मेहनत की जरूरत है ताकि हम मेडल टैली में चौथे स्थान से ऊपर बढ़कर तीसरे, दूसरे या पहले पर आने का सपना देख सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आगे भी आपको ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए चैनल से। नमस्कार, जय हिंद।